वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूँ जोया खान और अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। मोदी सरकार को झुकाने का काम देश के किसानों ने किया, ये कहना है अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक का। नागपुर के पूर्व महापौर सरदार अटल बहादुर सिंह का निधन, शहर में छाई शोक की लहर। और मुंबई में कोविड नियमों को ध्यान में रखते हुए हर्षोल्लास के साथ मनाई गई गुरु नानक जयंती। और अब खबरें विस्तार से। आखिरकार मोदी सरकार को झुकाने का काम देश के किसानों ने किया है, यह कहना है अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक का। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा तीनों कृषि कानून रद्द करने की घोषणा की, इस पर मलिक ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मोदी सरकार को झुकाने का काम देश के किसानों ने किया है, ये कहना है अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि कानून रद्द करने की घोषणा की गई है, ये जीत किसानों की, लोकतंत्र की जीत होने की बात राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता और अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने कही। साथ ही नवाब मलिक ने किसानों का अभिनंदन भी किया और किसान आंदोलन में जिन किसानों ने अपने प्राण गंवाए उन्हें अभिवादन भी किया। साथ ही कहा कि किसानों ने मोदी सरकार को बता दिया कि सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। जिस तरह से आज देश के प्रधानमंत्री सुबह राष्ट्र को संबोधन करने के लिए आए, कृषि क्षेत्र में अपनी उपलब्धियां गिनाई और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है, रिपील करने का। जिस तरह से देश के किसानों ने एकजुटता से लड़ाई को जारी रखा, कई किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जुल्म हुए, गाड़ियों से रौंदा गया, लेकिन किसान भाई डटे रहे और सरकार को किसानों ने झुकाने का काम किया। हम किसानों को सलाम करते हैं और शहीद किसानों का अभिवादन करते हैं। जिस तरह से किसानों को जलील किया गया, खालिस्तानी कहा गया, आतंकवादी कहा गया, एंटी नेशनल कहा गया, लेकिन किसान भाई डटे रहे और एक उदाहरण तय कर दिया इस देश के अंदर कि कोई कितना भी बड़ा तानाशाह हो, मनमानी कारोबार चलाता हो, अगर देश के लोग एकजुट होकर खड़े हो गए तो सरकार को झुकना पड़ता है। आज देश के किसानों ने मोदी सरकार को झुकाया, हम उनका अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, शहीदों का अभिवादन करते हैं। और लड़ाई अगर मन से, इच्छा से, ईमानदारी से लड़ी जाए तो जीती जाती है। आज सरकार झुकी है, हमें लगता है ये शुरुआत है। अब मनमानी कारोबार इस देश में नहीं चलेगा, शर्त यह है कि हिम्मत और ताकत से लड़ाई लड़ी जाए। इस देश में शुरुआत हुई है मोदी काल में, अब मनमानी कारोबार नहीं चलेगा, हम पूरी तरह से आशा रखते हैं। नागपुर के पूर्व महापौर सरदार अटल बहादुर सिंह का निधन हो गया। उनके निधन से शहर में शोक की लहर छाई है। खेल हो या राजनीति, अटल बहादुर सिंह ने दोनों में शहर का नाम बुलंदियों तक पहुंचाया। जो पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे, जिनका उपचार भी चल रहा था, लेकिन आज वो हमें छोड़कर चले गए। सरदार अटल बहादुर सिंह ने नागपुर के सामाजिक राजकीय संस्कृति को एक नया आयाम देने का प्रयास किया। विकास के प्रश्न पर राजकीय मतभेद अलग रखकर वे हमेशा ही काम में अग्रसर रहते थे। विद्यार्थी नेता से समाज के सभी क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करने का काम उन्होंने किया। एक प्रखर राष्ट्रवादी के रूप में उनका नाम था। आजादी के सभी क्रांतिकारियों के बारे में उन्हें हमेशा से अभिमान रहा है। उन्होंने विद्यार्थी नेता रहते समय विश्वविद्यालय के विविध परिसर को शहीदों के नाम दिलाए। वही महापौर रहते समय फुले मार्केट में गरीबों के लिए पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और बिस्मिल्ला खान का कार्यक्रम लिया था। साथ ही ग्राम सेवक के रूप में उन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से लोगों की समस्या भी दूर की। ऐसे महान नेता के निधन से राजनीति गलियारों में शोक की लहर छाई है। ऐसे प्रखर नेता को वीकेबी न्यूज की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि।
कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इस दिन को प्रकाश पर्व या फिर गुरु पर्व भी कहते हैं। इस दिन की सिख धर्म के सबसे पहले गुरु गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इसी के तहत कल्याण में सिख बंधुओं ने हर्षोल्लास के साथ गुरु नानक जयंती मनाई। गुरु नानक जयंती को प्रकाश पर्व या फिर गुरु पर्व भी कहते हैं। इसी दिन सिख धर्म के सबसे पहले गुरु गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। सिख धर्म को मानने वाले लोग इस दिन भजन कीर्तन करते हैं और वाहे गुरु का जाप करते हैं। जयंती के दिन देश भर में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम होते हैं और ढोल मंजीरों के साथ प्रभात फेरी निकाली जाती है। वहीं कल्याण के 70 वर्ष पुराने रामबाग 4 नंबर परिसर के गुरुद्वारे में हर्षोल्लास के साथ गुरु नानक जयंती मनाई गई। साथ ही इस वर्ष कोरोना के नियमों का पालन करते हुए बड़ी ही सादगी से गुरु नानक जयंती मनाई गई। आज का जो दिन है वो बहुत बड़ा स्थापित दिन है। गुरु नानक जी का जन्मदिन है। 552 ईयर्स का जन्मदिन है और आज के दिन हम लोग गुरु का लंगर और सेवा की भावना के हिसाब से ये प्रचार होता है। और कोविड की वजह से हमने ए टाइम अपना जुलूस अपना नगर कीर्तन नहीं निकाला और इसके लिए अभी सिर्फ गुरु का लंगर और ऐसे और एक कल्याण गुरुद्वारा 1952 में यहाँ स्टार्ट हुआ था जी। और उस टाइम से यहाँ गुरु का घर है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, 3,500 बच्चा पढ़ता है और ये संस्था शुरू से रजिस्टर्ड संस्था है और यहाँ गुरु का लंगर 24 घंटा चलता है। कभी भी कोई आदमी गरीब गुरबा कोई भी जात वाला आके इधर लंगर खा सकता है। कोई चीज़ की मनाही नहीं है और इस चीज़ में कोई रोक टोक नहीं है हमारे इधर। और हम हमेशा कोई भी आदमी रात को 2 बजे 1 बजे आके गुरु का लंगर खा सकता है जी। और इधर यही चीज़ हमारे इधर यही है कि सेवा और प्यार बांटने वाला काम है और दूसरा कोई रिलीजियस काम, सिर्फ रिलीजियस काम है बस। राज्य मंत्री बच्चू कड़ू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 कृषि कानून रद्द किए जाने की घोषणा करने पर आभार माना। साथ ही कहा कि आगामी विधानसभा व लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। आता मोदीजींना 3 कायदे जे आहे ते वापस परत घेण्याचा निर्णय घेतला, त्यांनी आत्ताच घोषणा केली। खरं तर हा शेतकऱ्याचा विजय आहे, शेतकऱ्याच्या एकजुटीचा विषय आहे। प्रचंड बलिदानानंतर आणि मला वाटतं सगळ्यात जास्त वेळ चालणारं हे जगातलं पहिलं आंदोलन होतं आणि खास करून पंजाबच्या शेतकऱ्यांना मी सलाम करतो, मानाचा मुजरा अर्पण करतो। मी सुद्धा 2-व्हीलरनं या आंदोलनात सहभागी झालो होतो। अखेर शेतकऱ्याचा विजय झाला आहे, शेतकऱ्याच्या एकजुटीचा विजय झालेला आहे। मोदी सरकारला हा निर्णय घेण्यास भाग पाडलेला आहे। ही जी तानाशाही आहे ही तानाशाही शेतकऱ्याच्या एकजुटीनं पार मोडून काढलेली आहे आणि मग याचे परिणाम येत्या काळात विधानसभेच्या आणि येणाऱ्या लोकसभेच्या काळात त्याचे पडणार, त्याचे पडसाद उमटणार हे भय मोदीचे सरकारला आलं आणि त्याच्यातून हा निर्णय झाला। असो राजकीय दृष्ट्या जरी घेतला तरी तो शेतकऱ्याच्या हिताचा निर्णय आहे, म्हणून मोदी सरकारचाही मी आभार मानतो। येत्या काळामध्ये शेतकऱ्याची लूट थांबवावी। आता आम्हाला समजलं का नवीन योजना आपण जाहीर करणार आहे, योजनेतून द्यायचं आणि धोरणातून लुटाचं ही भूमिकासुद्धा सरकारनं बंद केली पाहिजे। आता आपण तेल आयात केलं, दुसरीकडे तेल आयात केल्यानंतर सोयाबीनचे भाव पाडण्याचा आपण प्रयत्न केला, त्याच्यामुळं 5-8-9 हजार रुपये क्विंटलची सोयाबीन 4 हजार रुपये क्विंटलनं शेतकऱ्याला विकावं लागली। याकडे सुद्धा लक्ष देणं गरजेचं आहे। 48 लाख टन तूर डाळ आपल्याकडे तयार आहे, एवढं उत्पादन होत असताना सुद्धा 10 लाख टन तूर आपण पुन्हा आयात करतो आहे। तुरीचे भाव पाडण्याचा जो प्रयत्न आहे तो सुद्धा आणून पाडण्याची गरज आहे। म्हणून योजनेपेक्षा धोरण शेतकऱ्याचे हिताचे आणावे हे सुद्धा या निमित्तानं आम्ही मागणी करतो आहे। नई मुंबई में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने जोरदार आंदोलन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। नई मुंबई कांग्रेस पार्टी द्वारा शुक्रवार को केंद्र सरकार के विरोध में आंदोलन किया गया।
बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेर कर विरोध में नारेबाजी की। साथ ही नेहरू के शनि मंदिर प्रवेश द्वार से नेहरू रेलवे स्टेशन तक रैली विरोध प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली गई। इस आंदोलन में कांग्रेस के पूर्व नगर सेवक संतोष शेट्टी, इंटक के नए मुंबई अध्यक्ष रविंद्र सावंत और महिला पदाधिकारी समेत कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज आप देख रहे हैं देश में महंगाई, और महंगाई इतनी बड़ी है मोदी सरकार के राज में। आज हम लोग महाराष्ट्र में नाना पाटिल जी के आदेश में आदेश से हम लोग नेहरू ब्लॉक के माध्यम से यहाँ पे जन जागरण रैली, महंगाई के विरोध जन जागरण रैली का आयोजन हमने किया था। आज गैस सिलेंडर के भाव आप इतने बड़े कि रोटी, अगर होटल में रोटी भी खरीदने जा रहे हैं तो रोटी के दाम भी आज डबल हो गए। आज देखिए ये सरकार, मोदी सरकार महंगाई इतनी बढ़ा के रखी है। जिस टाइम हमारी कांग्रेस की सरकार थी वहाँ वो टाइम 300-400 रुपया सिलेंडर का भाव था, आज 1000 रुपया क्रॉस किया है। पेट्रोल के दाम आपने देखे रह गए, 100 रुपया क्रॉस किए। आज इतनी हालत, ये गरीब जनता की इतनी हालत है, तभी मोदी सरकार जुमलेबाजी कर रही है। आज आप देश के दिल्ली के बाउंड्री पे किसान इतने हड़ताल कर रहे थे, कोई किसानों का बलिदान हुआ है, आज वो उनको न्याय कौन देगा? आज जुमलेबाजी सरकार वापस बोल रही है हम काला कायदा पीछे ले गए, इनके ऊपर विश्वास कौन रखेगा? जिस दिन तक शेतकरी ने जो हाल हुए, शेतकरी के हाल हुए, उसका जिम्मेदार कौन है? इसके लिए हम लोग आज मोदी सरकार का, नेहरू ब्लॉक की वजह से वती से नेहरू सरकार का निषेध करते हैं। वर्धा में अंतरराष्ट्रीय हिंदू महिला परिषद द्वारा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को माल्यार्पण कर उन्हें अभिवादन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता उपस्थित थे। अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद की महिलाओं द्वारा रानी लक्ष्मीबाई के प्रतिमा को माल्यार्पण कर उनकी जयंती पर उन्हें विनम्र अभिवादन किया गया। इस दौरान अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद की अनेक महिला उपस्थित थे। झांसी की रानी 19वें शतक की वैधव्य प्राप्त स्त्री है। उन्होंने आत्मविश्वास से, कर्तृत्व से, चतुराई, पराक्रम से, स्वाभिमान के साथ स्वराज्य के लिए अंग्रेजों से लड़ाई की थी। ऐसे महान रानी को उनके जयंती पर अभिवादन किया गया। इस दौरान शीतल बघेल, राष्ट्रीय महिला परिषद तालुका अध्यक्ष वर्धा नीलेश वैद्य, राष्ट्रीय बजरंग दल तालुका अध्यक्ष रोहित जेठानी, राष्ट्रीय बजरंग दल शहर उपाध्यक्ष कल्याणी ठाकुर, ओजस्विनी शहराध्यक्ष सरला वाडनकर, सर्कल अध्यक्ष सावंगी मेघे पुष्पा चंदेल, सरिता ठाकुर, मनीषा राखुंडे, सीमा वाघाड़े, रेखा तायडे, वनिता चौधरी, सीमा दोनोडे, सुनीता चाचरकर, श्रीमती राजकुमारी बघेल व राज सम्राट सिंह बघेल, राष्ट्रीय बजरंग दल शाखा अध्यक्ष सावंगी मेघे, मुन्ना ठाकुर, प्रदीप दोनोडे आदि उपस्थित थे। मी राष्ट्रीय महिला परिषद तालुका अध्यक्ष शीतल बघेल। आज आम्ही आंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय महिला परिषद कडून आज आम्ही जसे आपले झाशी रानी चौक मध्ये आमचं जे वीरांगना आहे रानी लक्ष्मीबाई, त्यांना आम्ही आज माल्य अर्पण केलं आणि त्यांना वंदन केलं। तर आज त्यांचं जर राणी महालक्ष्मीबाईचं जर आपण इतिहास बघतो म्हटलं तर हजारो वर्ष आधी जसं मुसलमान आणि इंग्रज विरुद्ध संघर्षामध्ये ज्या जे करोडो लोकांनी आहुती दिली आहे, तसे देशप्रेमीमध्ये जसे समजा आपले राणी महालक्ष्मी राणीबाई आहे, तर त्यांना त्यांचे जे संघर्ष आहे त्यांना कोणी न विसरो म्हणून आपण आज हे म्हणजे त्यांना हर वर्ष आपण आठवण म्हणून त्यांना वन। वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
पारडी पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर एक व्यक्ति के घर पर छापा मारा और 60 लीटर महुआ देशी शराब जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पारडी पुलिस परिसर में पेट्रोलिंग कर रही थी, इसी बीच उन्हें गुप्त जानकारी मिली कि गोंडपुरा में कृष्णा सूरजलाल शेड़मा के अपने घर से महुआ देशी शराब की बिक्री कर रहा है। पुलिस तुरंत शेड़माके के घर पहुंची और छापामार कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के घर से 60 लीटर महुआ शराब जब्त की गई। आरोपी ने बताया कि यह शराब भूसनखोरी से लाई गई है। आज दिनांक 18/11/2021 रोजी अपोस्टे पार्टी हद्दी मध्ये आमचा जो डीबी पथक आहे ते पेट्रोलिंग करीत असताना त्यांना गोपनीय खबऱ्याद्वारे माहिती मिळाली की गोंडपुरा येथील कृष्णा सूरजलाल शेड़माके हा आपल्या घरी मोहा पुलाची दारू विक्री करीत आहे। अशा गोपनीय खबरेवरून तिथं डीबी पथक गेला असता, पंचासह गेला असता, त्याच्या घरामध्ये जवळपास प्लॅस्टिक पिशवीमध्ये भरलेल्या 60 लीटर मोहापुला दारू मिळून आली। ती आम्ही पंचासमक्ष कारवाई करून त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करत आहोत। आणि ही दारू त्याने जे प्रसिद्ध आहे भिवसनखोरी गिट्टीकदा नदीमध्ये तिथून आणल्याबाबत त्यांनी माहिती दिलेली आहे। तर माझा जनतेला आवाहन आहे की अशा प्रकारची ही दारू आहे ही पिऊ नये, ती आरोग्यास अत्यंत अपायकारक असते। आणि एवढे माझे जनतेला आवाहन आहे। शुक्रवार को प्रधानमंत्री द्वारा 3 कृषी कानून रद्द करने की घोषणा की। इस पर महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून वापस लिए जाने से किसानों की बड़ी जीत हुई है। केंद्र सरकार द्वारा पीछे लिया गया 3 कृषि कानून किसानों की बड़ी जीत है और मोदी सरकार के पीछे आने की शुरुआत है। लेकिन केंद्र सरकार ने केवल घोषणा नहीं करना चाहिए तो सभागृह में ये कानून ही पीछे लेने का जाहिर करना चाहिए। अन्यथा केंद्र सरकार और दाढ़ी वाला बाबा कुछ भी कर सकते हैं और किसानों के साथ धोखाधड़ी करने में वे आगे पीछे नहीं सोचेंगे। ऐसी तीखी प्रतिक्रिया राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री और अमरावती जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने दी। शेतकरी अजिबात घाबरलेला नाही आणि तो संघर्ष करत राहिला। हिटलरशाही आणि मोदीशाहीला त्यांनी हरवलेला आहे आणि पण या सगळ्या गोष्टींमधून एक लक्षात येतं की हे 3 कायदे तर नक्की रद्द झाले पण सभागृहामध्ये त्या ठिकाणी वास्तविकतेमध्ये ते होणं अतिशय गरजेचं आहे। नाही तर युपीचं इलेक्शन समोर ठेवून आपला बाबा काही पण करत असतो दाढीवाला बाबा, तर याच्यावर अजिबात विश्वास न ठेवता त्या ठिकाणी सभागृहामध्ये ज्या दिवशी संसदेमध्ये ज्या दिवशी हे रद्द केले जातील त्या दिवशी ते खऱ्या अर्थानं रद्द झाले असं ठेवलं पाहिजे। नाहीतर काय निवडणूक आली की घोषणा करायची, निवडणूक जिंकायचा प्रयत्न करायचा आणि गोंधळ घालायचा। कारण त्यांनी जे अरे रावेनी या ठिकाणी सरकार चालवण्याचं काम केलं मागच्या 7 वर्षांमध्ये कोणीच नाही, महामकरेचा कायदा हे जे केलं त्याला उत्तर आपल्या शेतकरी बांधवांनी दिलेलं आहे। इथून पुढेही ते हरतच राहणार ही वास्तविकता आहे आणि आज लोकशाहीचा विजय झालेला। जिले में 30 नवंबर तक हर घर दस्तक कोविड 19 टीकाकरण मुहिम के अंतर्गत गांव स्तर पर पहला और दूसरा डोज नहीं लेने वाले 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों को प्रोत्साहित किया गया। ग्रामीण भागों में मुहिम के अंतर्गत अब तक 91,497 लाभार्थियों को टीका लगाया गया। मुहिम में अधिकाधिक लोग शामिल हो रहे हैं। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दीपक सेलोकर ने टीकाकरण मुहिम में सहयोग करने का आह्वान किया है। जिले में 30 नवंबर तक हर घर दस्तक कोविड 19 टीकाकरण मुहिम के अंतर्गत गांव स्तर पर पहला और दूसरा डोज नहीं लेने वाले 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों को प्रोत्साहित किया गया। ग्रामीण भागों में मुहिम के अंतर्गत अब तक 91,497 लाभार्थियों को टीका लगाया गया। मुहिम में अधिकाधिक लोग शामिल हो रहे हैं। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दीपक सेलोकर ने टीकाकरण मुहिम में सहयोग करने का आह्वान किया है। मुहिम के दौरान गांव स्तर पर शिक्षक, आशा स्वयंसेविका, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम सेवक, तलाटी, स्वास्थ्य सेवक, सेविका घर घर जाकर नागरिकों से डोज पूर्ण करने के बारे में जानकारी दे रहे हैं। साथ ही वैक्सीन का महत्व भी बताया जा रहा है। शिक्षण, ग्राम विकास, महिला व बाल कल्याण विभाग, जिला ग्राम विकास, राजस्व विभाग के समन्वय से वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। मुहिम के अंतर्गत जिन गांवों में कम वैक्सीनेशन हुआ है उनकी सूची तैयार कर प्राथमिकता दी जा रही है। साथ ही गांवों में शिविर आयोजित कर अधिकाधिक लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कोविड वैक्सीनेशन का प्रमाण अधिक बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इस मुहिम के अंतर्गत पहला डोज लेने वालों की संख्या 35,060 है, वहीं दूसरा डोज लेने वालों की संख्या 56,437 हो गई है। तहसील निहाय आंकड़े देखें तो भिवापुर में
3,120, हिंगना में 10,831, कलमेश्वर में 6,236, कामठी 13,999, काटोल 6,015, कुही 4,530, मौदा 3,734, नागपुर 10,197, नरखेड 5,129, पारचुनी 5,149, रामटेक 4,659, सावनेर 10,543, वहुमरेड में 7,355 टीकाकरण हो गए हैं। कोरोना काल में लगी पाबंदियों के बीच लोगों ने कम बारातियों में शादी निपटाई। उस वक्त कम बजट वाली शादियां होने से खर्च भी ज्यादा नहीं आया, लेकिन अब जैसे ही पाबंदियां हटाई गई तो साथ में महंगाई भी बढ़ गई। सोने चांदी कपड़े से लेकर कैटरर्स सभागृह सभी ने दामों में 30% की वृद्धि कर दी है। यही वजह है कि अब लोग कह रहे हैं कि कोरोना काल में की गई शादियां ही ठीक थी। कोरोना काल में लगी पाबंदियों के बीच लोगों ने कम बारातियों में शादी निपटाई। उस वक्त कम बजट वाली शादियां होने से खर्च भी ज्यादा नहीं आया, लेकिन अब जैसे ही पाबंदियां हटाई गई तो साथ में महंगाई भी बढ़ गई है। सोने चांदी कपड़े से लेकर कैटरर सभागृह सभी दामों में 30% की वृद्धि कर दी है। यही वजह है कि अब लोग कह रहे हैं कि कोरोना काल में की गई शादियां ही ठीक थी। कोरोना महामारी के कारण अब 2 वर्षों से शादी विवाह की भव्यता पर रोक लगी है। कई लोगों ने कोरोना के काल में विवाह निपटाए, लेकिन नियमों के दायरे में रहकर करना पड़ा। वहीं कुछ कोरोना खत्म होने की राह देखते रहे ताकि धूमधाम से कार्यक्रम आयोजित कर सके। कुछ लोगों ने विवाह जोड़कर रखे थे। अब जबकि कोरोना पर लगे प्रतिबंध हटा दिए गए हैं और लॉकडाउन भी खोल दिया गया है, लेकिन महंगाई ने जकड़ लिया है। कपड़े जेवर से लेकर कैटरर्स और निजी वाहनों के किराए में भारी वृद्धि हुई है। यही वजह है कि लोग मान रहे हैं कि कोरोना प्रतिबंध में हुई शादियां ही ठीक थी। दीपावली के बाद से शादियों की रस्में शुरू हो गई है, लेकिन विभिन्न खाद्य पदार्थों तेल पेट्रोल डीजल सब्जियों अनाज आदि की कीमतों में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है। इसके अलावा मंगल कार्यालय के विभिन्न सुविधाओं सहित किराए में भी वृद्धि हुई है। इस महंगाई का खामियाजा भुगतते हुए दूल्हा दुल्हन को शादी की रस्में पूरी करनी होगी। इसमें भी एसटी बंद होने का परिणाम आने से मेहमानों को निजी वाहनों के लिए अधिक भुगतान करना होगा। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।